नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी साधकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, तो आप सभी के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे। वैसे तो वर्ल्ड फूड डे 10 अक्टूबर को आता है और ये तो नवंबर दिसंबर महीना आ गया, लेकिन बहुत सारे साधक का ऐसा आग्रह था कि वर्ल्ड फूड डे पे आपने वीडियो बनाई नहीं, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो वर्ल्ड फूड डे पूरे 140 कंट्री में पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंसान का फूड क्या होता है उसके बारे में मैं आज बताना चाहूंगी। वैसे तो आज आप सभी ने हमारी 500-600 वीडियो देख ली है, तो आपको पता चल गया होगा कि हम हमेशा अमृत भोजन के बारे में बताते हैं, अपक्व भोजन के बारे में बताते हैं, डिवाइन फूड के बारे में बताते हैं, प्राकृतिक भोजन के बारे में बताते हैं। भगवान ने जो भी सीजनल, रीजनल, नेचुरल और ओरिजिनल जो भी फूड बनाया है वो इंसान के लिए है। और इंसान ऐसा समझता है कि मैं किचन में खाना पका के खाऊंगा और मैं बनाऊंगा तो ही घर के सारे लोग पेट भर के खा पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने बहुत सारा फूड हमारे लिए बना दिया है। ईश्वर ने 24 लाख पेड़ पौधे ऐसे उगाए हैं पूरे वर्ल्ड में कि जिसके ऊपर ढेर सारा फ्रूट्स आता है, ढेर सारा सलाद आता है, ढेर सारा वेजिटेबल्स आता है, तो ये सब खाके भी हम पेट भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को किचन में ले जाके आग पे चढ़ा के विकृत करके नष्ट करके उसके सत्व तत्व भ्रष्ट करके खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा। रोटी सब्जी दाल चावल ये खाएंगे तो ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। खिचड़ी खाएंगे, भाखरी खाएंगे, खाखरा खाएंगे तो ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। इडली, डोसा, समोसा, पास्ता, पिज्जा, बर्गर ये सारी चीज है वो जीभ के टेस्ट के लिए है, हेल्थ के लिए नहीं है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कभी भी अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो वर्ल्ड फूड डे के आज दिन पे मैं ऐसा सबको कहना चाहूंगी कि पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, तो दिन में जितनी भी बार खाते हो मैक्सिमम अपक्व भोजन खाइए, और नहीं रहा जाता तो वेजिटेबल बॉईल करके खाइए या फिर वेजिटेबल को थोड़ा सा ब्लांच करके खाइए, कुक करके खा लीजिए, लेकिन प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए। दाल है, चावल है, अनाज है, रोटी है, मकाई है, ये सारी चीज है वो पचने में बहुत ही हार्ड है, और ये जो सारी चीज है वो बर्ड्स का भोजन है, हमारा इंसान का भोजन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस पी लीजिए या फिर आप वेजिटेबल्स का जूस पी लीजिए या तो फिर आप फ्रूट का जूस पी लीजिए। ग्रीन जूस पियोगे तो भी हेल्दी हेल्दी स्किन रहेगी, हेल्दी हेयर रहेंगे, हेल्दी पेट रहेगा, हेल्दी हेल्थ रहेगी, तो ऐसी चीज हमें पीनी चाहिए। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट खाना बंद कर दीजिए, ये हमारा फूड नहीं है। जितनी भी बार भूख लगती है पेट भर के फ्रूट्स खा लीजिए, तो ये हमारा ओरिजिनल फूड है। तो आज वर्ल्ड फूड डे के निमित्त पे मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि जितनी भी बार भोजन करो प्राकृतिक भोजन खाइए, जो भगवान ने बनाया है वो खाइए, जो इंसान बनाता है वो भोजन से सिर्फ और सिर्फ स्वाद मिलता है और फिर बीमारियां आती है। तो ऐसा भोजन हमें कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। जितने भी आपको टेस्ट पसंद है वो खाने हो तो ऐसा डे फिक्स कर लीजिए कि सैटरडे संडे कुछ भी खा लीजिएगा, या तो फिर आपको पकाया हुआ खाना है, बाहर का खाना है, कुछ नूडल्स खानी है, पास्ता खाने हैं, तो ये जो सारी चीज है वो वीक में एक बार सैटरडे या संडे बना के खा सकते हो,
लेकिन इसमें ये भी याद रखना है कि मैदा की प्रोडक्ट नहीं लेनी है, ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देती है। डेयरी प्रोडक्ट से भी बहुत सारे डिसीज होते हैं, तो ऐसा भोजन खाना चाहिए जो प्राकृतिक है, अपक्व है। तो छोटे बच्चे से लेके 100 साल तक बूढ़े लोग भी अगर ऐसा भोजन खाएंगे, स्मूदी बना के खाएंगे, तो पेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी मोटापा नहीं आएगा। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि वो खाने के बाद दुख दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन हम तो ऐसा भोजन खाते हैं कि जिससे बीपी आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, थायराइड आता है, माइग्रेन आता है, पैरालिसिस आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी है तो शाम को डिनर में कभी कभी खा सकते हो, लेकिन लंच में हमेशा किचन को ही क्लोज कर दो। लंच में सिर्फ और सिर्फ गॉड मेड डिवाइन फूड, मंगल प्रसाद का भोजन करना चाहिए, जो ईश्वर बनाता है, जो माँ धरती माँ प्रकृति बनाती है। वैसे भी इंसान के अलावा 84 लाख जीव पृथ्वी पे है, कोई खाना नहीं पकाते हैं, कोई भी एनिमल्स ने खाना नहीं पकाया, फिर भी किसी को रोग नहीं हुआ, फिर भी कोई हॉस्पिटल नहीं गया, फिर भी कोई भूखे नहीं मर गए। तो जैसा है वैसा का वैसा भोजन खाना चाहिए, तो कभी बीमारियां नहीं आएगी। हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी संजीवनी क्रिया है कि आपके सारे के सारे रोग चले जाएंगे। तो वो संजीवनी क्रिया है, वो संजीवनी जड़ी बूटी है, उसका नाम है एनिमा पॉट। तो एनिमा जो है वो हमारे पास 365 डे होना चाहिए। पूरी जिंदगी में हमने जितना भी भोजन खाया है वो मृत भोजन खाया है, वो मृत भोजन की सफाई के लिए हमें एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हमें पता नहीं था कि हमारा सही फूड क्या है, तो वो जो गलत भोजन खाया था उसकी साफ सफाई के लिए ये संजीवनी जड़ी बूटी का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जो है वो 1.5 लीटर का बॉक्स है और इससे एनीमा करना है। ये जो चीज है वो कोई भी इंसान पूरे 24 घंटे में एनी टाइम एनी हर रोज कभी भी कर सकता है। तो ये जो कैथेटर ये जो एनीमा पॉट है, इसमें ये सॉफ्ट कैथेटर को यूज करना है, जो बाहर की हार्ड वाली कैथेटर आती है वो नहीं यूज करनी है। तो अगर हमने गलत भोजन खाया है तो उसकी सफाई कर देनी है, तो इससे ठीक हो जाएगा। तो जो भी हमारे शरीर में गंदगी है, रोग है, कॉन्स्टिपेशन है, उसकी साफ सफाई के लिए अगर आपको एनिमा किट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो। या तो फिर हमारा मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इससे भी आगे आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको अहमदाबाद के नारणपुरा में आके मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हो। तो आप सदा हेल्दी फूड खाओ, स्वस्थ रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन, तो हमेशा एनिमा का उपयोग कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।